वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ड्रिल मशीन की सर्विस करके दिखाऊंगा, साथ ही इसमें जो पार्ट्स हैं जो घिस चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको चेंज करके दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको एक बार ड्रिल मशीन दिखा दूं तो फ्रेंड्स, ये एक ड्रिल मशीन है हिटमैन कंपनी की। मैं पास से दिखाने की कोशिश करूं, ये हिटमैन की ड्रिल मशीन है और 220 वोल्ट और 550 वाट की है। इसमें हैमर का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, हैमर का भी ये वर्क करती है मशीन। तो जो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जो अपनी मशीनरी होती है जिनके अंदर मूविंग पार्ट होते हैं, उनको एक टाइम के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मूविंग पार्ट जो टाइम के साथ घिस जाते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन वगैरह है ना, वो घिस चुके हैं। और साथ ही लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जो पार्ट्स नहीं घिसते उनमें डालना होता है लुब्रिकेशन, ताकि वो फ्रिक्शन ना करें, हीट ना हो, काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली रन करें। तो लुब्रिकेशन की भी इसमें कमी आ चुकी है, साथ ही इसके जो कार्बन है वो घिस चुके हैं, तो ये उस वजह से स्पार्क दे रही है मशीन। चलते टाइम एकदम हाई स्पीड के साथ रन हो रही है, तो इसको अच्छी तरीके से डीजल से वॉश भी करेंगे, जो इसमें गंदगी भर गई है घिस घिस के, जो इसकी ग्रीस वगैरह जो इसको जाम कर रही है, और साथ ही इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिना स्किप किए मैं आपको हर बात समझाऊंगा, अच्छी तरीके से वॉश भी करके दिखाऊंगा, इसको फिटिंग भी करके दिखाऊंगा, साफ सफाई से लेकर हर चीज़ समझाऊंगा। इस वीडियो को आपको जो है बिल्कुल लास्ट तक देखना है, केयरफुली जो है वीडियो को समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मशीन आ चुकी है फ्रेंड्स, इसको ओपन करना है, लेकिन ओपन करने से पहले इसके अंदर जो बिट लगी हुई है ना, इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि बिट होती है काफ़ी नुकीली, ये आपके हाथ वगैरह में चोट लगा सकती है। तो यहाँ पे मैं बिट को रिमूव कर लूँगा। अब फ्रेंड्स, मशीन को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे स्क्रू हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खोलूँगा इस तरीके से, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर। अब देखिए कितना इससे आसानी से ये सारे पेज खुल जाएंगे। तो सभी पेज को आपको किसी बोतल वगैरह में डाल लेना है, कटी हुई डिब्बे में इस तरीके से, जिससे कि कोई इसका स्क्रू या कोई पार्ट खोए ना। तो मैं यहाँ पे सभी स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, फिर इसको जो ओपन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे तो ये खुली जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है सारे पेज रिमूव हो चुके हैं। अब स्क्रू ड्राइवर से दोनों साइड इसके डालना है और थोड़ा थोड़ा गैप बनाना है, आराम आराम से खोलना है, जैसे मैं वीडियो में खोल के दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी आपको, वरना आपका कोई पार्ट टूट सकता है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। यहाँ पे कुछ तो ब्रश की धूल है, और वैसी भी धूल मिट्टी यहाँ पे जा चुकी है, यहाँ पे ग्रीस भी यहाँ पे लगी हुई है, जो गेट्स पे लगी होती है ग्रीस। तो ये पूरी ओपन हो चुकी है मशीन, यहाँ पे वायर वगैरह भी इसके देख लो आप किस हालत में, पूरा मतलब गंदा हो रहा है, और ब्रश भी काफ़ी घिस चुके हैं, उसी वजह से ये स्पार्क कर रही है, और काफ़ी टाइट ये मशीन चल रही है, क्योंकि इसके अंदर नहीं है लुब्रिकेशन। मैंने यहाँ पे इसको देखिए ओपनली चला के दिखाया, ये काफ़ी रिस्की है, ऐसे न चलाएं खोल के। तो ये देखिए काफ़ी लोड के साथ ही ये मशीन चल रही है। तो इसको ओपन हमने कर लिया है, अब इसकी करते हैं साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई करने से पहले इसके हर एक पार्ट्स को रिमूव करना है, और मैं आपको फिर से एक ही बात बता दूँ, जब भी आप इसको रिमूव करें, हर एक पार्ट्स को किसी डिब्बे में अच्छी तरीके से रख लें। अगर कोई पार्ट्स गुम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई कोई पार्ट्स तो ऐसा होता है कि बाज़ार में मिलता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे हर एक को निकाल लेता हूँ केयरफुली, और वायर वगैरह से आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि वायरिंग इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर वायर में कोई दिक्कत आ गई तो मशीन को फिर से चलाना काफ़ी कठिन पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सभी को निकाल लेता हूँ, और वायर से मैंने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई वायर नहीं खोला, जैसे लगे हुए हैं ऐसे ही आपको लगे रहने देना है। अब फ्रेंड्स, इसको जो हम नॉर्मल ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो काफ़ी धूल मिट्टी भरी हुई है, तो हमें इसको भी डीजल से साफ़ ही करना पड़ेगा। और ये इसके ब्रश जो कि पूरी तरीके से घिस चुके हैं, आप देख लो, कार्बन ब्रश होते हैं, इसी वजह से ये स्पार्क कर रही थी मशीन। मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने टेबल पर रख लिए प्रॉपर तरीके से, और इनको जो वॉश करते हैं, तो वॉश करने के लिए फ्रेंड्स मैं इनको एक बोतल में डाल देता हूँ इस तरीके से, और ऊपर से डीजल डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो मैं छोटे मोटे पार्ट पहले डाल देता हूँ इसके अंदर, और फिर इसको जो है अच्छी तरीके से डीजल से वॉश करते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉश करने से के लिए जहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डीजल का यूज़ कर रहा हूँ, जो नॉर्मल कार वगैरह में डीजल पड़ता है, तो वही डीजल है। थोड़ा सा ये टेबल फैल चुका है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको हम ड्रिल चक को साफ़ करेंगे, चक और गियर को खूब अच्छी तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेनी। यहाँ पे जितनी भी ग्रीस वगैरह इसमें ओल्ड, उसको रिमूव कर देना है डीजल डाल के, कोई कंजूसी नहीं करनी डीजल वगैरह डालने में, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना है, इससे हाथ पैर में भी चोट लग सकती है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बता दूँ कि
आप जो बाकी के हार्डवेयर है उसे तो आप किसी भी ब्रश से साफ़ कर लो, लेकिन जो इसका आर्मेचर है ये वाला, इसको किसी ब्रश से साफ़ ना करें, मेटल के ब्रश से खास करके, क्योंकि इसके अंदर जो वायर है वो अगर कोई इंसुलेशन हट गया या कट गई तो पूरा ख़राब हो जाएगा ये। ऐसे देखिए मैं इसको भी, स्टेटर को भी बिल्कुल हाथ से साफ़ कर रहा हूँ और बिल्कुल नॉर्मल ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है कि कोई वायर ना टूटे या कोई इंसुलेशन ना हटे, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। बाकी मैं स्विच वगैरह को भी अच्छी तरीके से डीजल से साफ़ कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स जो भी मशीन के अंदर के पार्ट्स थे मैंने उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब जो इसके कवर हैं ये वाले प्लास्टिक के, इसके भी अंदर काफ़ी गंदगी है, तो इसे भी मैं यहाँ पे ब्रश से और डीजल की मदद से साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको जो प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दिया है, और इसको अब हमें सूती कपड़े से पोंछना है, हर एक पार्ट्स को सूती कपड़ा लेना है, काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी आपको दिख रही होगी, ये ब्लैक ब्लैक, ये गंदगी नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है कि प्लास्टिक घिस गई है और जो कालापन आ गया है प्लास्टिक को जब रगड़ दिया है अच्छी तरीके से किसी पार्ट्स ने, तो वो थोड़ा सा काला दिख रही थी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ड्रिल चक की गियर को बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ सूती कपड़े से। हर एक पार्ट्स को आपको सूती कपड़े से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ मैं जितने भी इसके पार्ट्स हैं सूती कपड़े से। कोई वैसा कपड़ा वगैरह या रेगमाल नहीं लेना, उससे स्क्रैच ही लगेंगी। और ये देखिए इसका आर्मेचर बिल्कुल सही कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं स्टेटर को भी साफ़ कर लेता हूँ, स्विच वगैरह को भी साफ़ कर देता हूँ यहाँ पे। सफाई के बाद फ्रेंड्स इसके जो कार्बन है ये बिल्कुल घिस चुके हैं, तो यहाँ पे जो हम नए कार्बन डालेंगे, ये देखिए नए कार्बन मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए नए कार्बन हैं ये, और इसके साथ स्प्रिंग भी आती है। अब मैं फ्रेंड्स हर एक पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से सेट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्विच को सेट करूँगा, ये स्विच पहले दोनों आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद बॉडी में फिट किए जाएंगे, फिर किया जाएगा अपना आर्मेचर और फील्ड और गियर वगैरह सेट। तो यहाँ पे मैंने आर्मेचर फील्ड सेट कर दिया। अब आर्मेचर और फील्ड सेट होने के बाद कार्बन ब्रश को यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। तो कार्बन ब्रश कैसे सेट होते हैं ये देखिए, पहले इस ब्रश होल्डर के अंदर डालना है। पहले इसको थोड़ा सा साफ़ किया मैंने कपड़े से, और ये प्रॉपर तरीके से मूव हो रहा है, इसके अंदर मैंने चेक किया है, देखिए स्प्रिंग वर्क कर रही है। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे पार्ट्स फिट हो चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाथ से घुमा के देख लेता हूँ, जिससे कि पता चल जाएगा ये स्मूथली चल रहा है कि नहीं। सारे वायर को मैंने अंदर की साइड लगाया है, ये देखिए प्रॉपर तरीके से वायर फिट किए हैं, अंदर की साइड कोई वायर बाहर नहीं है। यहाँ पे देखिए स्विच भी बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुका है सफाई के बाद, ये ऑन ऑफ भी वर्क कर रहा है। अब फिट करते हैं ड्रिल चक और गियर को। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा और ये इजीली फिट हो जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक इसमें ऑप्शन होता है कि आप इसे हैमर पे चलाना चाहोगे या ड्रिल पे। तो ड्रिल पे जब चलता है तो ये जो दो गियर देख रहे हो इनके बीच में गैप होना चाहिए, और अगर हैमर है तो ये दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए इस तरीके से। इसमें कटिंग होती है और उससे वाइब्रेट होता है। तो ये देखिए
प्रॉपर तरीके से आगे पीछे हो रहा है, मतलब हैमर और ड्रिल के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मूव कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, पीछे की साइड एक कटी हुई पत्ती डाली जाती है, उसमें गोली आके अगर अड़ रही है, ये देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, इसमें गोली आ जाती है एक जो कि सापट से कनेक्टेड होती है, तो अपना जो हैमर आ जाता है, और अगर गोली को नहीं आने देता है मतलब आगे की साइड रहता है, तो इसके बीच में गैप बन जाता है इस तरीके से, और वो ड्रिल के फॉर्म में काम करती है मशीन। ये इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाकी के इस पार्ट्स को भी यहाँ पे मैं फिट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स इसमें थोड़ी बहुत आपको ग्रीस लगानी है, लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे आपको ऑयल वगैरह नहीं डालना है, ग्रीस का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस लगा देता हूँ। बहुत भाई क्या करते हैं कि ग्रीस को जो है काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्रीस ही इसको जाम कर देती है। जाम ना हो इसलिए ग्रीस लगाई जाती है, लेकिन ज़्यादा ग्रीस लगाने से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ग्रीस ही उसको जाम कर देती है, क्योंकि ग्रीस फंस जाती है, सूख जाती है कुछ दिन बाद, तो वो जाम कर देती है। हल्की हल्की ग्रीस लगाना है और घुमा घुमा के लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे कि पूरे गियर पे, दोनों गियर में अच्छी तरीके से गियर ग्रीस लग जाए। बाकी जो दो सेट हैं मतलब ड्रिल के और हैमर के, उनके भी बीच मैंने ग्रीस लगा दी है थोड़ी सी, मतलब जो हैमर का यूज़ करें तो वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, वहाँ भी चिकनाई रहे, लुब्रिकेशन रहे। तो सारे पार्ट्स एकदम ओके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखो प्रॉपर तरीके से मैंने इसमें ग्रीसिंग की है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करनी है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगानी और ना ही थोड़ी। अब फ्रेंड्स इसके लेवल इंडिकेटर को भी यहाँ पे लगा लेना है, तो यहाँ पे लेवल इंडिकेटर लग जाए और इसको जो है कस देना है। तो कसने से पहले आपको हर एक वायर को अच्छी तरीके से अंदर की साइड लगाना है। ये देखिए वायर को मैंने यहाँ पे अंदर की साइड कर दिया। अगर बीच में वायर अटकेगा कोई तो मशीन को कसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मशीन में गैप बनेगा दोनों लेयर के बीच। तो वायर को आपको अंदर की साइड ही रखना है प्रॉपर तरीके से। अब वायर फिट हो गई, इसके अंदर जो है मैं स्क्रू डाल के से कस देता हूँ। कसने के लिए भी मैं यूज़ करूँगा जो है वो कोडलेस ही का यूज़ करूँगा, और प्रॉपर तरीके से पहले आपको इसे हाथ से बिठाना है, फिर पेच डालने हैं, और उसके बाद कोडलेस ड्रिल से, या आपके पास ये नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर से प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। स्क्रू को लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ोगे तो पार्ट्स सही से काम नहीं करेंगे, लूजिंग रहेगी, मशीन में नुकसान हो सकता है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मशीन कस चुकी है और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। अब इसकी जो टेस्टिंग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 220 वोल्ट एसी के साथ लगाया, जैसे ही ट्रिगर दिया हाई स्पीड में मशीन रन करने लग गई। और फ्रेंड्स इसके रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज भी दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने उल्टा और सीधा, ये देखिए इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्रॉपर तरीके से मशीन वर्क कर रही है, स्पीड कंट्रोलर भी इसका वर्क कर रहा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मशीन जो है घर पे ही रिपेयर हो चुकी है, इसको बाज़ार नहीं ले जाना पड़ा, प्रॉपर तरीके से इसकी सर्विस हो गई। अब एक साल के लिए बिल्कुल मतलब मानो हम फ्री हो गए, मशीन को यूज़ करो नो प्रॉब्लम। अब मैंने इसमें एक बिट लगा दिया, होल्ड करके देखते हैं लकड़ी में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी यहाँ पर भी आपको टेस्टिंग दिखा दूँ। फ्रेंड्स ये बिट है बिल्कुल ख़राब स्थिति में, तो ये शायद होल नहीं कर पाएगी, बिट की कमी है ना ही मशीन की, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा दूँ। ये देखिए बिट ही इसके अंदर चली गई, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स होल से क्या है, मशीन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो वर्क कर रही है, हाई स्पीड में रन कर रही है, दोनों डायरेक्शन में रन कर रही है, स्पीड कंट्रोल रन के साथ रन कर रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।